नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूँ आपके साथ वैशाली वर्मा। चलिए देखते हैं सुबह से शाम तक की 10 फटाफट बड़ी खबरों। योगी आदित्यनाथ सरकार ने गरीबों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए दिया 54% तक अनुदान। खर्च हुए 13,600 करोड़। राज्य के अंतिम छोर तक बिजली पहुंचाने के बाद मुफ्त में कनेक्शन, और अब गरीब से गरीब के घर में बिजली से उचियारी के लिए भी सरकार ने खजाने का मुंह खोल दिया है। सरकार 6.50 रुपए यूनिट वाली बिजली पर गरीबों को 3.50 रुपए यूनिट सब्सिडी देगी। सरकार द्वारा 54% तक अनुदान देने से गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए 3 रुपए यूनिट ही बिजली पड़ेगी। इतना ही नहीं, गांव में रहने वाले अनेक किसानों आदि को महंगी बिजली से राहत देने के लिए सरकार 3.15 रुपए तक यूनिट सब्सिडी देगी। मीटर न होने पर 435 रुपए महीने का अनुदान देकर सरकार 500 रुपए में ही महीने भर भरपूर बिजली के इस्तेमाल का पूरा मौका देगी। सिंचाई के लिए सस्ती बिजली उपलब्ध कराने को सरकार निजी नलकूप पर प्रति हर्ट्ज पावर HP 550 रुपए प्रति माह सब्सिडी देगी। योगी आदित्यनाथ सरकार 40 करोड़ रुपए से खरीदेगी झंडे। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के लिए कैबिनेट बाय सर्कुलेशन को मिली स्वीकृति। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सरकार हर घर तिरंगा कार्यक्रम आयोजित कर रही है। योगी सरकार ने प्रदेश भर में 4.5 करोड़ से अधिक भवनों पर तिरंगा फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए तय हुआ है कि 40 करोड़ रुपए से झंडे खरीदे जाएंगे। इसमें 30 करोड़ रुपए पंचायती राज विभाग जबकि 10 करोड़ रुपए नगर विकास विभाग खर्च करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर प्रदेश भर में इस बार 11 से 15 अगस्त तक स्वतंत्रता सप्ताह मनाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत 13, 14 और 15 अगस्त को हर घर तिरंगा आयोजित किया जाना है। सरकार का प्रयास है कि अधिक से अधिक नागरिकों की भागीदारी राष्ट्र गौरव के इस पर्व में हो। प्रदेश की योगी सरकार ने सर्वाधिक आबादी वाले राज्य की जिम्मेदारी को समझते हुए 4.5 करोड़ आवासीय अनावासीय भवन, सरकारी गैर सरकारी कार्यालय, संस्थाओं आदि भवनों पर फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। जन जन तक राष्ट्रीय ध्वज पहुंचाने के लिए सरकार ने इनकी खरीद की व्यवस्था भी तय कर दी है। यूपी में हर परिवार को मिलेगा रोजगार। राशन कार्ड नहीं है तो फौरन बनवाएं, इन योजनाओं का नहीं मिलेगा फायदा। यूपी की योगी आदित्यनाथ राज्य में अब बहुत जल्द परिवार कार्ड जारी करने जा रही है। इसके अंतर्गत सरकारी नौकरी, जॉब्स या स्वरोजगार से वंचित लोगों का पता लगाया जाएगा। राज्य सरकार का प्रयास होगा कि हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को नौकरी दी जाए या उसे रोजगार से जोड़ा जाए। यूपी शासन ने प्रत्येक परिवार को रोजगार मुहैया कराने के साथ ही विभिन्न योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए शुरू की जा रही परिवार कार्ड योजना के लिए प्रत्येक परिवारों की IG बनाने का फैसला लिया है। यूपी में हर परिवार को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए परिवार कल्याण योजना के क्रियान्वयन में की तैयारी तेज कर दी गई है। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार की पहचान पत्र बनाया जाएगा। इसके तहत प्रदेश में जिन परिवारों के पास राशन कार्ड है उनके राशन कार्ड को ही परिवार ID माना जाएगा। पहले एक्सप्रेसवे अब बुंदेलखंड को सवारे की यूपी सरकार। सीएम योगी ने दिए 31 किलो को पर्यटन केंद्र बनाने के निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बुंदेलखंड के 31 किलो व दुर्गों को पर्यटन केंद्र के रूप में कराया जाए। समृद्ध ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहरों वाले बुंदेलखंड में पर्यटन विकास के लिए ठोस कार्य योजना बनाए। साथ ही लखनऊ में अम्बेडकर सांस्कृतिक केंद्र का काम जल्द पूरा कराया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को उच्च स्तरीय बैठक में पर्यटन विभाग के अफसरों को ये निर्देश दिए। उन्होंने ये भी कहा है कि किलो के पुरातात्विक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व से परिचय करवाती ट्रॉफी टेबल बुक भी तैयार करवाई जाए। विशाल परिसर वाले कई किले अपनी भव्यता के साथ बेहतरीन होटल के रूप में तैयार हो सकते हैं। हमें इन संभावनाओं को आकार देना होगा। उन्होंने कहा कि कालिंजर का किला 542 हेक्टेयर के विशाल क्षेत्र में है। यहाँ निजी क्षेत्र की सहभागिता से लाइट एंड साउंड शो, कैंपिंग, ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग और फसाद लाइटिंग का कार्य कराया जाए। किले पर नेचर ट्रेल की गतिविधियों को शुरू किया जाए। सीएम योगी ने दी सहमति, जेवर में जल्द बनेगा कौशल विकास केंद्र, युवाओं को मिलेगा प्रशिक्षण।
यमुना प्राधिकरण ने लगभग 8,700 स्क्वायर फीट मीटर जमीन जेवर विधानसभा में कौशल विकास केंद्र बनाए जाने के लिए आवंटित की थी, लेकिन ये योजना ठंडे बस्ते में पड़ गई। जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह ने ठंडे बस्ते में पड़ी कौशल विकास केंद्र बनाए जाने की योजना के बारे में कुछ दिनों पहले प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को अवगत कराया था, जिसके पश्चात प्रदेश के मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को जल्द ही इस कार्य को आगे बढ़ाए जाने के निर्देश जारी किए हैं। विगत दिनों लखनऊ प्रवास के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री के समक्ष क्षेत्र में कौशल विकास केंद्र बनाए जाने के विषय में मुख्यमंत्री को अवगत कराया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस कार्य को आगे बढ़ाकर क्षेत्र के युवाओं की प्रतिभा को मौका दिया है। उम्मीद है कि शीघ्र ही विधानसभा में कौशल विकास केंद्र बनाए जाने का कार्य आरंभ हो रहा है। 27 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को जुलाई के वेतन में ही मिलेगा बढ़ा हुआ डीए। योगी सरकार ने जारी किया आदेश। उत्तर प्रदेश के करीब 16 लाख राज्य कर्मचारियों और 11.5 लाख पेंशनरों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान जुलाई के वेतन के साथ ही होगा। योगी सरकार की तरफ से कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का भुगतान करने का आदेश जारी कर दिया गया है। कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का जनवरी से जून तक का एरियर भविष्य निधि में जमा की जाएगी। आपको बता दें कि महंगाई से राहत देते हुए सरकार ने 1 जनवरी 2022 से करीब 27 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को 3% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत देने का ऐलान किया है। हालांकि महंगाई भत्ते के लिए शासनादेश में कहा गया था कि बढ़ा हुआ डीए अगस्त के वेतन के साथ मिलेगा, यानी कि सितंबर में इसका भुगतान होगा। अब कहा जा रहा है कि अब सोमवार को इसमें संशोधन कर जुलाई में ही भुगतान की बात कही जाएगी। मंकी पॉक्स का देश में तीसरा रोगी मिलने पर यूपी में अलर्ट जारी। किस दिनों के भीतर विदेश से लौटे लोगों की होगी स्क्रीनिंग। प्रदेश में मंकी पॉक्स को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। 21 दिनों के भीतर विदेश यात्रा से लौटे लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी। लक्षण के आधार पर संदिग्ध मरीजों की जांच कराई जाएगी। देश में मंकी पॉक्स का तीसरा मरीज मिलने के बाद सतर्कता बढ़ा दी गई है। सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को इसे लेकर पर्याप्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। एयरपोर्ट पर इसे लेकर जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। आशा वर्कर की मदद से लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जाएगा। मंकी पॉक्स में बुखार के साथ साथ शरीर में दाने पड़ जाते हैं, मांसपेशियों में दर्द होता है। सबसे पहले ये अफ्रीकी देशों में फैलना शुरू हुआ था और अब ये यूएई, चेक गणराज्य सहित कई देशों में फैल चुका है। ये आर्थ्रोपॉक्स वायरस संक्रमण है। ये चेचक या चिकन पॉक्स की तरह दिखाई देता है। फिलहाल सभी जिलों में सीएमओ संदिग्ध मरीजों की जांच कर सैंपल इकट्ठा करने के इंतजाम में जुटे हैं। यूपी, बिहार और पंजाब के यात्रियों को मिली सौगात। 1 अगस्त से चलेगी ये स्पेशल ट्रेन। भारतीय रेल ने यात्रियों को बेहतर रेल सेवाएं देने के लिए नए एक्सप्रेस ट्रेन की घोषणा की है। इससे बिहार, यूपी और पंजाब के यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी। बिहार से यूपी होते हुए बिहार के कई शहरों को जोड़ती हुई ये एक साप्ताहिक ट्रेन होगी। ये ट्रेन जल्द ही पटरी पर दौड़ने लगेगी। बनमनखनी और अमृतसर के बीच चलने वाली ये अस्थायी ट्रेन सेवा होगी। रेलवे के मुताबिक ये ट्रेन उत्तर प्रदेश के तमाम कस्बों, शहरों और जिलों को जोड़ते हुए पंजाब और बिहार के बीच जाएगी। इसमें एसी या स्लीपर का कोई डिब्बा नहीं होगा। सभी डिब्बे जनरल क्लास के होंगे। रेलवे ने ये जानकारी दी है कि अमृतसर सहरसा साप्ताहिक एक्सप्रेस में सामान्य द्वितीय श्रेणी के 20 LSLRG का एक और जनरेटर का या लगेज यान के 1 कोच सहित कुल 22 कोच लगाए जाएंगे। रेलवे के मुताबिक गाड़ी संख्या 1460 4603 अमृतसर सहरसा एक्सप्रेस सप्ताह में एक दिन चलेगी। ये ट्रेन 3 अगस्त से अमृतसर से हर बुधवार को चलेगी। वहीं 5 अगस्त से सहरसा से हर शुक्रवार को ये ट्रेन चलेगी। सहरसा से अमृतसर की ओर रवाना होने वाली ट्रेन संख्या 14603 सहरसा से शाम 4:55 पर खुलेगी। मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। आंधी पानी के बाद एक बार फिर तेज धूप लोगों को परेशान करने लगी है। बादलों के पीछे आने वाली धूप उमस पैदा कर रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज आसमान में बादल छाए रहेंगे। सुबह से शाम तक बारिश के आसार हैं। तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। शाम को आंधी के साथ बारिश होने की संभावना है। उन्नाव में भी दिन भर बारिश होने की संभावना बताई जा रही है। अधिकतम तापमान 34 डिग्री के आसपास बना रहेगा। दोपहर में आंधी चलने की संभावना है। मौसम विभाग आने वाले दिनों के लिए अलर्ट जारी कर रहा है। दोपहर में कम बारिश हो सकती है, जबकि शाम को आंधी के साथ भारी बारिश होने की जानकारी मिल रही है। आगामी 25 जुलाई सोमवार को सुबह से आंधी पानी की संभावना मिल रही है। सोमवार का अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री रहने की संभावना है। दोपहर और शाम को आंधी के साथ भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मास्टर प्लान तैयार, लोगों को अब मिलेगी सपनों की छत। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नगर निगम ने मास्टर प्लान तैयार किया है, जिसमें 31 कर्मचारी अब लाभार्थियों की लिस्ट पर सर्वे करेंगे, जिसमें प्रत्येक लाभार्थियों को लाभ दिया जाएगा। शहर में 1600 लाभार्थी हैं, जिसमें अभी तक केवल 100 परिवारों को ही लाभ दिया जा सका है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगे कर्मचारियों की बैठक ली है, जिसमें कर्मचारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि एक एक कर्मचारी प्रतिदिन 25 परिवारों की पहचान कर उन्हें लाभ देना सुनिश्चित करे। इसके लिए हर सप्ताह कर्मचारियों से रिपोर्ट ली जाएगी। उल्लेखनीय है कि 2016 में शहर का सर्वे हुआ था, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल सका, जिसके कारण लोग नगर निगम के चक्कर काट रहे हैं। अब इस कार्य में तेजी लाई जा रही है, जिसमें कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई गई। 2022 में सभी लाभार्थियों को लाभ देना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो ये रही आज की 10 फटाफट बड़ी खबरें। न्यूज अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।